हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम मास बैलेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एनटीए में दिसंबर 2018 में पूछा गया था। दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देख लेते हैं क्वेश्चन जो यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अ ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकंड कन्वर्जेस इनटू अ रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट एक्स एट द अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रिब्यूटरी बिफोर कन्वर्जेंस वॉज 12 मिलीग्राम पर लीटर एंड दैट ऑफ द रिवर वॉज 30 मिलीग्राम पर लीटर। If the pollutant X is completely mixed in the downstream, what would be its concentration? दोस्तों, इसमें हमें concentration of a river निकालना है after the convergence of a tributary. तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, वो है 24 मिलीग्राम पर लीटर, 42 मिलीग्राम पर लीटर, 21 मिलीग्राम पर लीटर, 30 मिलीग्राम पर लीटर। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को कि इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एक ये रिवर, दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये रिवर है जो फ्लो कर रही है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन है C1 है और इसका फ्लो रेट है Q1 जो हमें गिवन है। तो इस रिवर में हमारे क्या एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसकी कंसंट्रेशन C2 है पॉल्यूटेंट की और उसका फ्लो है Q2। जब ये इस ट्रिब्यूटरी को हिट करेगी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, जो एट द पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस और एट द पॉइंट ऑफ जहाँ पे आपका रिवर मीट कर रहा है उसका डिस्चार्ज पॉइंट से पहले जो दो फ्लो आ रहे हैं वो दोनों एड अप हो जाएंगे और जो इस वो जो हमारा कन्फ्लुएंस पॉइंट के बाद जो डिस्चार्ज होगा उसका हमारा जो फ्लो है रिवर का वो Q3 है हमारा है, जो हमारा हो जाएगा इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दोस्तों, आपको ये चीज इसमें याद रखनी है। तो जैसे आप हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि जो हमारा Q3 है वो Q1 प्लस Q2 हो गया। तो अब इसमें हम मास बैलेंस जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा ऐसे Q3 इंटू सी। सी हमारी जो है कंसंट्रेशन ऑफ द आफ्टर द डिस्चार्ज आफ्टर द कन्फ्लुएंस पॉइंट, ठीक है, ये हमारा सी है, इक्वल टू Q1 इंटू C1 जो यहाँ कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा प्लस Q2 इंटू C2। तो हम इस फॉर्मूले को जो हमें लास्ट में डिस्कस किया था उस फॉर्मूले को यूज करके हमें जो वैल्यू है हम गिवन वो हम देख लेते हैं। Q1 हमें गिवन है 8 मीटर क्यूब पर सेकंड, C1 हमें गिवन है रिवर का, Q2 हमें गिवन है 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, C2 हमें गिवन है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो Q3 हमने जैसे देखा था वहाँ पे क्या होता है Q1 प्लस Q2, तो ये हमारा हो गया 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हम सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू रख दी तो हमारा जो सी कंसंट्रेशन है वो आ जाएगा 24 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन 1। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल और हर सीजन यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।